हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, आप फेसबुक का यूज़ तो ज़रूर करते होंगे और फेसबुक पर वीडियोस भी देखते होंगे, और जो वीडियो आपको पसंद आती है तो आपका मन करता होगा कि आप उसे डाउनलोड करें, लेकिन उसके लिए आपको किसी एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करना होता होगा प्ले स्टोर से, उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर पाते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपको किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अपने मोबाइल में। आप उसके बिना ही अपने फेसबुक की किसी भी वीडियो को अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो छोटी सी है पर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले अपने फेसबुक की जो एप्लीकेशन है, हमें उसे ओपन कर लेना है क्लिक करके। तो मैं इस फेसबुक की ऐप पे क्लिक करता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। आप भी अपने अकाउंट से इसमें लॉगिन कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम पेज है ये तो आपका, और फिर सेकंड नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी वीडियोस आ जाएंगी सारी, जो भी आप यहाँ पर देखते हैं। वीडियोज़ का सेक्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज भी हैं, जो कैटेगरी आप देखते हैं। जैसे आपको कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, जैसे मैं ये पहले वाली ही करके दिखा देता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है बिल्ड बातों रोग, इसके सामने आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसके लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये 4th नंबर पे है कॉपी लिंक, मैं इस पर टैप करके इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आ गए, अब हमें चलना है क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम गूगल पे आ जाएंगे सबसे पहले तो, और उसके बाद हमें गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेव फ्रॉम .net, ठीक है। इस तरीके से हम सर्च करेंगे इस पर, तो सेव फ्रॉम नेट यहाँ पे सर्च किया हमने तो ये सबसे ऊपर पहली ही आ गई। हमें इसके ऊपर क्लिक करना है सेव फ्रॉम .net पे, तो ये इस तरीके से हमारे सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन के लिए कह रहा है, मैं इसे हटा देता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने URL अपना कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपल। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, आपकी वीडियो यहाँ पे लोड होगी, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ गई, ठीक है, वीडियो। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रहा है आपको किस फॉर्मेट में करनी है, तो हमें MP4 HD क्वालिटी करनी है, ये SD में करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन में डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप फेसबुक से किसी भी वीडियो को अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कर सकते हैं उसे डाउनलोड करके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से आप फेसबुक की किसी भी वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।